रोज दोस्त आने वाली थी, एक साल से मिली नहीं थी उसे, तो मतलब क्या क्या खाना बनाया, ये किराया, गुड़िया थी अरेंज कर दिया, हम लोग साथ में खेलेंगे ऐसे वैसे, ठीक है सब अरेंजमेंट कर दिया। बट एंड टाइम पे ना चीनी के दोस्त ने बोल दिया, नहीं आना मुझे, क्या करें, जो खाना बनाया था आजा आजा कुत्ते को बुला के खिला देगी, गुड़िया को तोड़ के फेंक देगी, है ना। इन द सेम वे कि हर एक महीने क्या करती है, फीमेल बॉडी खुद को प्रिपेयर करती है किसके लिए, प्रेगनेंसी के लिए। बट अभी सिचुएशन ऐसे हो, ये जो 23वां दिन है ना, 23वें दिन पे मैं एक स्टार करके लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ? स्टार। क्यों? जब हम लोग आएंगे तब आपको पता चले। मेंस्ट्रुअल फेज मतलब क्या बेटा, हर एक मंथ में क्या होता है, फीमेल के बॉडी से ब्लड, हम बोलते हैं ना आप, बहुत ऐसे होता है कि खराब ब्लड बॉडी से बाहर निकलता है ना, एक्चुअली दैट ब्लड इज नॉट डर्टी, ब्लड डर्टी नहीं होता। तो उसका रीजन क्या होता है कि हर एक महीने क्या करती है, फीमेल बॉडी खुद को प्रिपेयर करती किसके लिए, प्रेगनेंसी के लिए। तो एंडोमेट्रियम का साइज क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। पहले देखो एंडोमेट्रियम इतना था, अभी एंडोमेट्रियम कितना हो गया, इतना हो गया, क्या हो गया, इतना हो गया। इसको बोलते हैं स्ट्रैटम फंक्शनलिस। सपोज दोस्त आने वाली थी, एक साल से मिली नहीं थी उसे, तो मतलब क्या क्या खाना बनाया, ये किराया, गुड़िया थी अरेंज कर दिया, हम लोग साथ में खेलेंगे ऐसे वैसे, ठीक है सब अरेंजमेंट कर दिया। बट एंड टाइम पे ना चीनी के दोस्त ने बोल दिया, नहीं आना मुझे, क्या करें, जो खाना बनाया था आजा आजा कुत्ते को बुला के खिला देगी, गुड़िया को तोड़ के फेंक देगी, है ना। इन द सेम वे, आया समझ में मैं क्या बोलना चाहता था? तो वही चीज यहाँ पे होती, कहाँ पे होती, यूटेरस में। देखो क्या होता है, हर एक महीने यूटेरस खुद को प्रिपेयर करता है प्रेगनेंसी के लिए। एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन कौन से लेयर में होता है, एंडोमेट्रियम में, किस में होता है, एंडोमेट्रियम। अगर एंडोमेट्रियम की साइज छोटी है तो उसमें एम्ब्रियो प्रॉपरली इम्प्लांट हो पाएगा क्या, हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो एंडोमेट्रियम की साइज क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, एंडोमेट्रियम की साइज बढ़नी चाहिए ना। अगर एंडोमेट्रियम की साइज बढ़ गई तो एम्ब्रियो प्रॉपर क्या हो जाएगा, इम्प्लांट, ठीक है। तो एंडोमेट्रियम ने खाना बिना खाया खुद की साइज एकदम क्या कर ली, बढ़ा ली। अभी मतलब ठीक है, एम्ब्रियो आ जा, तू आराम से इम्प्लांट हो सकता है, अभी तुझे कोई टेंशन नहीं, ठीक है। बट अभी सिचुएशन ऐसे हुई, फर्टिलाइजेशन ही हुआ नहीं, फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं, तो जाइगोट फॉर्म होगा, नहीं, एम्ब्रियो फॉर्म होगा, नहीं, एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन होगा, होगा क्या, नहीं होगा, एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन यहाँ पे हुआ ही नहीं। तो यूटेरस को क्या आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, क्या आ जाता है, गुस्सा। अभी फिर यूटेरस क्या करेगा, जो उसने जाड़ा मोटा एंडोमेट्रियम बना दिया था उसे क्या करेगा, जा मुझे तेरी जरूरत नहीं है, जा मुझे तेरी जरूरत नहीं। बट यहाँ पे जो टिश्यू था, इस टिश्यू के साथ यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ब्लड वेसल। अगर एम्ब्रियो इम्प्लांट होगा तो एम्ब्रियो को नरिशमेंट देने के लिए उसके आसपास क्या होने चाहिए, ब्लड वेसल होने चाहिए ना। तो वहां पे एंडोमेट्रियम के साथ कौन रहने चाहिए, ब्लड वेसल। तो यहाँ पे टिश्यू प्लस ब्लड वेसल्स, जब इसकी काटछाट शुरू हो जाएगी तो कौन डैमेज होगा, ब्लड वेसल, कौन डैमेज होगा, ब्लड वेसल। मतलब ये टिश्यू अभी निकल गया है, उसके साथ डैमेज हुए ब्लड वेसल में से बाहर कौन जाएगा, ब्लड। तो हर एक महीने में एंडोमेट्रियम श्रेड होता है, हम लोग अभी वर्ड क्या यूज करेंगे, श्रेड। मतलब जो एक्स्ट्रा एंडोमेट्रियम तैयार हो जाता है उसे क्या बोलते हैं, स्ट्रैटम फंक्शनलिस। वो एक्स्ट्रा एंडोमेट्रियम क्या हो जाता है, श्रेड हो जाता है, और किसके साथ बॉडी के बाहर निकलता है, ब्लड के साथ निकलता है, क्या निकलता है, ब्लड के साथ। सो शुरुआत के जो 3 से 4-5 दिन ब्लड बॉडी से बाहर निकलता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन। और वो जो उसका फेज होता है उस फेज को क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज। अभी क्या होगा, देखो ब्लड बाहर निकल गया, अभी पुरानी दोस्ती नहीं, कितनी भी क्या बोलते कठोर दिल वाली हो फिर, अच्छा अभी नहीं आई ना, अगले महीने आएगी क्या, हाँ आऊंगी ना फिर से, चलो चिवड़ा बनाओ, पोहे बनाओ, लाडू बनाओ, मेरी दोस्त आने वाली है, फिर से क्या करेगी, एंडोमेट्रियम को ठीक करेगी, क्या करेगी, ठीक करेगी, राइट। फिर से वही हुआ, फिर से एंडोमेट्रियम को ठीक किया, ठीक किया, ठीक किया, फिर से फोन किया, कौन से दिन पे फोन किया, 23rd डे पे। 23rd डे के पास डब्बे डब्बे भरे थे सब चीजों के, एंडोमेट्रियम के साथ एकदम फुल्ली डेवलप हो गया था, फिर से फोन किया, कल आ रही ना, कौन से डे पे, 23rd। नहीं 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 मेरे पैर में चोट लगी, मैं नहीं आ पाऊंगी, फिर से क्या करेगी, आजा साइड के कुत्ते को बुला के खिला देगी। इन द सेम वे यूटेरस क्या करेगा, एंडोमेट्रियम को श्रेड कर देगा, क्या कर देगा, श्रेड कर देगा। तो ये साइक्लिक प्रोसेस क्या होती है, रिपीट होती है, श्रेड करने के बाद फिर से क्या हो जाता है, ब्लीडिंग हो जाता है। तो जिस फेज में होता है उसे क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज।